ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन गंज बाजार स्थित सरकारी राशन के डिपो में काफी दिनों से मशीन खराब चल रही थी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। लोग राशन के डिपो के चक्कर काट काट कर काफी परेशान हो गए थे। बहरोज शिकायत करते थे, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जाता था। इसलिए तंग आकर सभी ग्राहक एकत्रित हुए और जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के कार्यालय में पहुंचे और अधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। सोलन गंज बाजार स्थित सरकारी राशन के डिपो में काफी दिनों से मशीन खराब चल रही थी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग राशन डिपो के चक्कर काट काट कर काफी परेशान हो गए थे। बेरोज शिकायत करते थे, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया जाता था। इसलिए तंग आकर सभी ग्राहक एकत्र हुए और जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के कार्यालय में पहुंचे और अधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखी। अधिकारी ने उनकी बात सुनी और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डिपो संचालक को नई मशीन जल्द उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। शिकायत लेकर आए शहरवासी ने बताया कि डिपो संचालक काफी समय से अपनी मनमानी कर रहा था और वह हमेशा मशीन खराब है कहकर राशन देने से आनाकानी करता था। यही नहीं, वह लंच टाइम कहकर डिपो को 1 बजे बंद कर 3 बजे खोलता था। इसकी शिकायत अधिकारी को की गई है, जहां ये मालूम हुआ है कि लंच टाइम सिर्फ 1 से 2 बजे का है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे कल तक मशीन को ठीक करवा देंगे और कल से उन्हें सुचारू रूप से राशन मिल जाएगा। वो ये कि अंगूठा नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, 3-4 दिन से परेशान हो रहे हैं हम लोग। लेकिन ये 3-4 दिन की ही बात नहीं, ये हर महीने इनका ऐसे होता है, बार बार इनकी मशीनें खराब हो जाती हैं, हमें इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, जिस वजह से हमें राशन लेने में दिक्कत होती है। इसलिए हम यहाँ पे डीसी ऑफिस आए थे कि यहाँ पे बात करते हैं। उन्होंने सोल्यूशन निकाल दिया है इस चीज़ का कि चलो मशीन आ जाएगी नहीं, कल से देखते हैं क्या होता है। हर महीने इनका ऐसे ही रहता है कि आज मशीन खराब हो रही है, कल आना, फिर आते हैं, फिर अगली बार फिर दूसरा कोई आता है उसके साथ भी यही होता है कि मशीन खराब हो रही है। दूसरा हमारे को ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ये जो राशन देते हैं डिपो वाले, वो सही टाइम पे नहीं आते हैं। आज तक हमें ये पता था कि 1 से 3 बजे तक इनका लंच होता है, बट 1 से 3 नहीं होता। आज हमें ऑफिस आके पता चला 1 से 2 इनका लंच होता है और ये 3 बजे तक आराम से घर में बैठ के ऐश कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। हमारी मांग ये थी जी, पिछले 1 हफ्ते से मशीनें खराब चल रही हैं, रोज कहते ठीक करी, रोज कहते कल आओ, आज आओ, कल आओ, 1 हफ्ते से पूरे दिन चक्कर काट रहे हैं और अब 1 हफ्ते से राशन नहीं मिल रहा है। तो साहब के पास आए थे, इन्होंने कुछ सजेशन दिया हमारे को, कुछ मशीनें नमी मंगाई हैं, वो कहते शाम तक आ जाएंगे, कल से आपको रूटीन से राशन मिलेगा। जब इस बारे में जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता नियंत्रक मिलाप शांडिल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ताओं ने उन्हें बताया है कि गंज बाजार में राशन के डिपो की मशीन खराब चल रही है, जिसके चलते उन्हें राशन नहीं मिल रहा था। उनकी शिकायत पर उन्होंने शिमला से तुरंत दूसरी मशीन को मंगवा लिया है। उन्होंने कहा कि राशन डिपो संचालक का 1 घंटे का लंच टाइम होता है, लेकिन वह 2 घंटे राशन का डिपो बंद रखता था, जिसके चलते संचालक पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और उसे चेतावनी दी गई है कि वे अपने कार्य में किसी भी तरह की कोताही ना बरते। ये लोअर बाजार में एक डिपो है, फेडरेशन का डिपो है। 20-25 लोग वहाँ से कंप्लेंट लेके आए थे कि मशीन ठीक काम नहीं कर रही है। जब मैंने डिपो होल्डर को बुलाया, उससे बात की, तो उसने बताया कि 3-4 दिनों से मशीन खराब है। तो जब इसके बारे में जाँच पड़ताल की तो बाकी मशीन खराब थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। हमारे पास स्पेयर मशीन नहीं थी, इसलिए मैंने शिमला में तुरंत मैटर उठाया, अपने डायरेक्टरेट बात की और यहाँ से कर्मचारी भेज दिया है, वो आज शाम तक की मशीन लेके आ जाएगा और आज शाम के शाम ही ये मशीन रिप्लेस कर दी जाएगी। तो ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।